देखिए, जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल आपने किया है कि इन्होंने 144 लगा दिया है पूरे J&K स्टेट में इस टाइम पे, तो अगर देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि ये जो बहुत सारे मतलब लोग इकट्ठे हो रहे थे किसी जगह पे, नो डाउट कि किसी न किसी को मतलब और किसी कम किस्म का भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो कोविड, ये जो कोरोना वायरस है, यही ज़रूरी है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को और कोई भी इन्फेक्शन होगा, उससे भी कोई इन्फेक्टेड हो सकता है दूसरा बंदा। ठीक, सफाई ईमान का जुज़ है और हर एक मुसलमान को चाहिए, हर एक इंसान को चाहिए वो अपने आप को साफ रखे, अपने माहौल को, जो आसपास उसका माहौल है उसको साफ रखे, ताकि जब हमारे आसपास का हर एक माहौल साफ रहे, ये जो बीमारी है इंशाल्लाह ताला मुस्तान ये चली जाएगी। इस किस्म का प्रिकॉशन हमें लेना है। जिस तरह से डॉक्टरों ने हमें बोल दिया है कि वक्तन फवक्तन हाथ धो लो, वक्तन फवक्तन अपने आप को सफाई करते रहियो, उस किस्म के प्रिकॉशन हमें लेनी है। बाकी सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला पे छोड़ना चाहिए। एहतियात तो हमें लेने चाहिए, मगर जो ये गवर्नमेंट ने जो ये कदम उठाए थे, ये इस वक्त ठीक नहीं है, क्योंकि इन्होंने अचानक जो दुकानें भी बंद किए थे, जो गाड़ियां भी बंद की थी बिना किसी ऐलान के, लोग इससे परेशान हो रहे हैं। मुलाजिम है जिनको दफ्तर पहुंचना चाहिए, वो दफ्तर नहीं पहुँच पा, उनके लिए प्रॉब्लम ही हो रही है इससे। एहतियात तो हमें लेने चाहिए, ये बात तो सही है कि ये जो ये बीमारी है वो काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है, इससे हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। मगर गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए कि लोगों को पहले इसके मतलब अवेयरनेस करनी चाहिए। Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.